राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार अब पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से शराब बिछवाने का काम करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्क्रीनिंग का काम शुरू किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बोकारो में उत्पाद विभाग के अधिकारी, जिले से तैनात अधिकारी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अधिकारी बंद कमरे में बैठकर रजिस्टर्ड बेरोजगार युवकों से स्क्रीनिंग के नाम पर कागजात जमा करवा रहे हैं। इस दौरान मीडिया वालों को भी अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब स्क्रीनिंग में बैठे अधिकारियों और छात्रों का वीडियो बनाना चाहा तो सहायक उत्पाद आयुक्त बदसलूकी पर उतर आए। रजिस्टर्ड बेरोजगारों को मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट आईटीआई बोकारो में कागजात के साथ इंटरव्यू देने पहुंचे, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर उन्हें नौकरी क्या दी जाएगी। कुछ लोगों ने बाहर आकर ये बताया कि उन्हें शराब बेचने के लिए यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो वे लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। ये असल में हम लोग पहले झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उसके बिहाफ पे हमें एक मैसेज दिया गया था कि आप आइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, एक्चुअल में जॉब क्या है हमें ये बताया नहीं गया है, तो वो दो तीन दिन में मैसेज आएगा क्या चीज़ है वो हमें बताया जाएगा। एक चीज़ जानते हैं, शराब दुकान में आप लोगों को एज ए सेल्समैन रखने की तैयारी? अच्छा, हो सकता है मे भी, लेकिन जो भी है गवर्नमेंट के तौर पर है, हमें उसके बारे में नहीं आइडिया है। क्या चीज़ का इंटरव्यू चल रहा है? इंटरव्यू है सर, ये तो पता नहीं, खाली हम लोग को बोला गया कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए। क्या चीज़ का इंटरव्यू पता नहीं है? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम सर डिप्लोमा था। कब किए हैं डिप्लोमा? डिप्लोमा 12। एक चीज़ जानते हैं, यहाँ शराब के लिए, यहाँ शराब दुकान में ठेका में काम करने के लिए इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ की जानकारी आपको है? ये तो नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र गोप है, मैं राधा गाँव ये चैनपुर पंचायत से हूँ। हाँ। वहीं से आया हूँ। क्या चीज़ आपको मैसेज गया था? मैसेज यहाँ गया था कि इंटरव्यू होगा हमारा एक्सचेंज ऑफिस के अंतर्गत, हमें बुलाया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ रिज्यूम वगैरह जमा हो गया और डॉक्यूमेंट सारे जमा हो गए, उसके बाद बोला गया कि कॉल करके आप लोग को फिर से इसका बताया जाएगा, इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्या चीज़ बोकारो एटीएस से मैसेज किया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था कि किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो गवर्नमेंट आईटीआई से बोल रहा था, गवर्नमेंट जॉब भी लिखा हुआ है बगल में, जॉब का चीज लिख दिया, तो शायद हम लोग सब सोच लिए कि जॉब होगा, इसके लिए हम लोग देखे मैसेज और यहाँ पे आ गए। यहाँ के आने के बाद